तो जो लोग भी पूछ रहे हैं मतलब सिक्किम के बारे में क्या क्या जगह टूरिस्ट वगैरह का खुला है, एंड अभी नॉर्थ सिक्किम खुला नहीं है, है नहीं जहाँ तक अभी तक का अपडेट है ये, एंड छांगूबा मंदिर भी। वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन, मैं आपका दीपू सा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गैंगटॉक सिक्किम में हमेशा की तरह, एंड आज शनिवार है, तो शनिवार आपको पता ही है कि हमारा दुकान यहाँ पे बंद रहता है, एंड आज हमारा गाड़ी भी यहाँ पे आ चुका है क्योंकि कल जो है दीपक का सिलीगुड़ी से गाड़ी लेके आया था यहाँ पे, एंड अब ये गाड़ी i20 हमारा यहीं रहेगा क्योंकि एक दो महीना यहाँ पे मैं इसको सीखूंगा पहाड़ में, एंड पहाड़ में थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह क्योंकि पहाड़ और प्लेन का ड्राइविंग बहुत ही डिफरेंट होता है, एंड पहाड़ में थोड़ा सा चलाऊंगा। तो आज भी चलाने के लिए जा रहे हैं साथ ही साथ घूमने भी जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रुमतेक की तरफ, एंड रुमतेक में एक मोनेस्ट्री है, रुमतेक मोनेस्ट्री सांग बोल के एक विलेज है वहाँ पे जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा मोनेस्ट्री है एंड साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत सा जगह भी है, तो वहाँ पे जाएंगे। एंड साथ ही साथ रानीपुल में बहुत ही चौड़ा सा रोड है नया जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन वो मतलब बन चुका है, तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा वहाँ पे चलाऊंगा अभी आधा एक घंटा, एंड चला के फिर से हम घूम फिर के वापस आएंगे यहाँ पे। तो अभी बस नेशनल हाईवे टच करने वाला हूँ, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड आप सभी को पता लग ही क्या होगा कि सिक्किम में सारे रेस्ट्रिक्शन मतलब खुल चुके हैं, विड्रॉ हो गए हैं, एंड अभी आप सिक्किम जो है बिना कोई टेंशन के ट्रैवल कर सकते हैं। बात बाकी परमिट वगैरह का फिर से अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बाइक का बहुत इंक्वायरी आ रहा है तो बाइक का जैसा जो होगा फिर से अलग से सेपरेट वीडियो वगैरह डाल दूंगा। एंड अभी नॉर्थ सिक्किम खुला नहीं है, सिर्फ लाचुंग तक खुला हुआ है और लाचुंग से आगे अभी खुला है नहीं जहाँ तक अभी तक का अपडेट है ये, एंड छांगूबा मंदिर भी नहीं खुला है। तो जब छांगूबा मंदिर एंड ये सब खुल जाएगा तो वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, फेसबुक में भी फॉलो और फ्रेंड भी नहीं है, तो स्टोरी वगैरह डालता तो उतना लोग तक पहुँच नहीं पाते, तो YouTube में ही डाल दूंगा मैं, एंड खुलने दीजिए फिर डाल दूंगा, अभी तो फिलहाल बंद है। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं देवडाली NH10 में, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाम है, तो चलिए व्लॉग में बने रहे, थोड़ा सा आगे पहुँचता हूँ वो जगह में फिर से मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बने रहे व्लॉग में।
तो अभी हम जो है रूमतिक में जाके रांका साइड में आ गए हैं, एंड चलाते चलाते ये जो यहाँ पे नीचे पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग पॉइंट है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके जस्ट ऊपर झाकड़ी फॉल्स एंड ऑल है, तो यहाँ से भी नया रास्ता खुल रहा है। अभी आगे कहाँ जाता है ये रास्ता पता नहीं, आगे तो बंद है एंड पीछे वही है झाकड़ी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का जो है लैंडिंग होता है। एंड कभी हम भी करेंगे पैराग्लाइडिंग, वैसे तो हमें अलाउड नहीं है फॉर सम रीजंस, लेकिन करेंगे फिर भी। एंड अभी फिर से यहाँ बहुत सारा चलाया मैंने गाड़ी, एंड फिर यहाँ से मतलब लेके जाऊँगा अभी बैक। अभी दीपक भी थोड़ा चला रहा है, एंड चलाते हुआ उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अभी नया नया सीख रहा हूँ, फिर जो सिखा रहे हैं मुझको वो भी रिकॉर्ड कर पाएगा नहीं, उसको भी आगे देखना होगा, एंड इसलिए अभी रिकॉर्ड हम नहीं कर रहे अपना सीखते वक्त। तो चलिए अभी थोड़ा आने दीजिए उसको, फिर नीचे की तरफ जाएंगे एंड फिर चाय पानी पियेंगे और नज़ारे दिखाता हूँ मैं, देखता हूँ रूमतिक में थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ एंड वहाँ से, क्योंकि व्यू तो मतलब गैंगटॉक सिटी का अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा ग्लूमी वेदर है तो लग नहीं रहा है कि उतना अच्छा व्यू मिल पाएगा, फिर भी चल के देखते हैं। तो ये वाला रोड देखिए कितना सीनिक है, एंड ये अभी विलेज साइड में थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं, और वेदर देखिए आज पूरा बारिश होने वाला है, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है रात को, लेकिन दो दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। अभी शाम को ऐसा वेदर है तो रात को आज भी मस्त बारिश होगा लग रहा है, एंड ठंड तो क्या कहने, ठंड अभी भी है यहाँ पे। कुछ दिनों में हम भी ऐसा टाइप का गाड़ी चलाएंगे, ऐसे पहाड़ों में काट कूट के एकदम। मेन जो दिक्कत है पहाड़ में वो है उठाने का, जो क्लच छोड़ के जो एक्सीलरेट करना होता है वो एकदम माइक्रो सेकंड में आपको लेना होगा, तब जाके गाड़ी जो है पीछे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि अगर गाड़ी ज़्यादा पीछे आता है तो मतलब ये तो खाली रोड था जहाँ पर मैंने सीखा, यहाँ तो पीछे एकदम कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप रियल ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे तो पीछे गाड़ी रहेगा, तो वो वाला जो है ना मेन रोड में आने से पहले वो वाला चीज़ एकदम पूरा साफ करना पड़ेगा हाथ में। लेकिन यहाँ का खूबसूरती देखिए, थोड़ा सा विंडो डाउन करके मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी व्यू पॉइंट छोड़ के भी थोड़ा सा ऊपर आ चुके हम, एंड फिर से नीचे जा रहे हैं अभी। यहाँ का लेकिन रोड जो है ना बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, एकदम घुमावदार है, फुल कारपेटेड, एकदम कोई भी गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं है, मस्त है एकदम। तो वो सारा जो देख रहे हैं वो है गैंगटॉक टाउन, एंड वेदर अगर पूरा क्लियर रहता है ना तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, एंड ये यहाँ पे होम स्टेज वगैरह है अच्छे अच्छे, यहाँ पे आके आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड ये है रोड। एंड इस तरफ अगर आप चल जाएंगे ये वाला रोड आपको लेके चल जाएगा रुमतेक एंड सांग, वहाँ पर है राइस वैली। अभी रुमतिक से हम आ चुके हैं एंड वापस अभी जा रहे हैं घर की तरफ, शांति व्यू पॉइंट आपको मिला ही नहीं कहीं पे, एंड फिर हम आए गए नीचे, मतलब ऊपर नहीं गए वापस से क्योंकि बारिश भी होने वाला है अब, एंड वहीं पे व्यू दिखा दिया मैंने आपको, और बस चल रहे अभी घर वापसी की तरफ। तो अभी फिर से नेशनल हाईवे पकड़ेंगे एंड गैंगटॉक निकल जाएंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर है, वही
20 से 25 मिनट लगेगा एंड फिर पार्किंग में अपना गाड़ी रख देंगे। तो जो लोग भी पूछ रहे हैं मतलब सिक्किम के बारे में एंड सिक्किम के मतलब क्या क्या जगह टूरिस्ट वगैरह का खुला है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा एंड आप कनेक्टेड रहे मुझसे। एंड अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर सिक्किम प्लान कर रहे तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं सिक्किम के रिगार्डिंग वो सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एंड सिक्किम के जितने भी ट्रैवल ब्लॉग्स हैं वो तो अगर आप देखना चाहते हैं नॉर्थ सिक्किम साउथ सिक्किम तो आप देख सकते हैं, वो मैंने अपने बाइक पे किया हुआ है। एंड बात बाकी जो भी आपका डाउट है इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं आप, एंड जैसे नॉर्थ सिक्किम वगैरह खुलता है तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। नॉर्थ सिक्किम अभी खुला है नहीं एंड छंगुबा मंदिर ये सब भी बंद है, तो जैसे खुलता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बने रहे चैनल पे। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नई वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन दिस इज दीपू सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।